तो आज हम आप सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का टिप्स शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए टिप्स यूजफुल रहेगा और आपके बहुत ही काम आने वाला है और साथ ही साथ समय और पैसों की भी बचत करेगा। तो डेली लाइफ में हमें काम करना ही होता है, लेकिन अगर हम वही काम ऐसे नॉर्मल तरीके से करते हैं तो बहुत सारा हमारा पैसा भी जाता है और समय भी वेस्ट जाता है। अगर हम वही काम टिप्स और ट्रिक्स अपना करके करते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम भी हमें मिल जाता है अपने लिए भी। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रहे हैं। टिप्स छोटे ज़रूर रहेंगे लेकिन आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी हो या फिर बारिश हो, चीनी में बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग जाती हैं। मीठा किसको नहीं पसंद होता है, जैसे हम लोगों को पसंद है वैसे चींटियों को भी पसंद होता है। चाहे हम मिठाई रख के रहें या चीनी रख के रहें, कोई भी सामान अगर इधर उधर पड़ा रहेगा तो वहाँ पर चींटियाँ सारी आकर के घेर लेती हैं। तो दोस्तों, चींटियों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे चींटियाँ भाग सकती हैं? जो आजकल चींटी आती हैं वो बहुत ही कटीली होती हैं, वो बहुत ही काटती हैं। लाल वाली चींटी जो होती है वो बहुत ही तेज़ी से काटती हैं। जब हम चीनी का ढक्कन थोड़ा ढीला बंद कर देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं इसे बंद करना या फिर ढीला बंद कर देते हैं, तो चींटियाँ तुरंत अंदर घुस करके सारी चीनी बर्बाद कर देती हैं। अब इसे हम कैसे फेंकें? ऐसे हम धुल भी नहीं सकते, धुलेंगे तो सारी चीनी ही ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो होता है कि चीनियों में चींटियाँ पड़ जाती हैं, इसे अगर हम धूप में भी रख देते हैं, धूप में रखने पर चींटियाँ सारी उसी में मर जाती हैं, जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम पहले से ही अलर्ट हो जाएं, पहले से ही अपने सामान को सुरक्षित रखें। तो चलिए हम आज आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। आपके चीनी में जो भी चींटी रहेंगी वो सारी भाग भी जाएंगी और इसके अलावा आपके चीनी में चींटी कभी नहीं आएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी कंटेनर में आप चीनी रखते हैं उस कंटेनर में चीनी को डाल देना है और उसके बाद आपको लेना है लौंग। लौंग चीनी को भगाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से लौंग को लेना है और चीनी के डिब्बे में डाल देंगे। लौंग में बहुत ही अच्छी सुगंध आती है जिसके कारण से चींटियाँ नहीं आएंगी। इस तरीके से लौंग डाल करके चीनी को अच्छे से उल्टा पुल्टा कर दीजिए, यानी कि मिक्स कर दीजिए और उसके बाद ढक्कन को बंद कर दीजिए। अब आपके चीनी में चींटी नहीं आएगी। ध्यान ये देना है कि जब भी आप चीनी का डिब्बा बंद करें, खोलें, तब आप इसे टाइटली बंद कर दें। इसे आपको ढीला नहीं बंद करना है, नहीं तो चींटियाँ बहुत ही किनारे किनारे से छोटे जगह में चली जाती हैं। और इसके अलावा लोग बताते हैं कि चीनी के डिब्बे के माउथ पर सरसों का तेल लगा दिया जाए फिर भी चींटियाँ नहीं आती हैं, लेकिन ये गलत है। आती तो नहीं है सरसों के तेल से, लेकिन ये चीनी तब व्रत में खाने लायक नहीं रह जाती है। इस टिप्स द्वारा आप अगर रखेंगे तो आप व्रत में खा सकते हैं और वैसे नॉर्मल भी इस चीनी को खा सकते हैं। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। टिप्स हमारा है इस तरीके के कंघी को लेकर के। दोस्तों, कंघी तो हमें डेली करना होता है, अगर कंघी ना किया जाए तो बाल भूत हो जाता है। लेकिन होता यह है कि इसमें थोड़ी बहुत गंदगी जमा हो जाती है, बालों की गंदगी, और इसके अलावा तेल का चिपचिपापन इसमें जमा हो जाता है। टाइम इतना नहीं रहता है कि इसे हम डेली डेली साफ़ करें। इसे साफ़ करने के लिए टूथब्रश की भी ज़रूरत होती है और इसके अलावा साबुन वगैरह भी लगाना पड़ता है इसके चिपचिपेपन को दूर करने के लिए, या फिर गर्म पानी भी करके धुलना पड़ता है। लेकिन डेली ये काम हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं रहता कि इसे हम डेली डेली साफ करें। इसे साफ करने के लिए हम आज एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आप बहुत ही आसानी से कंघी को क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा कोई भी टेलकम पाउडर। टेलकम पाउडर जो होता है वो चिपचिपाहट को हटाने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। इस तरीके से पाउडर को कंघी पर गिरा देना है
और उसके बाद एक पुराने टूथब्रश से कंघे को इस तरीके से रगड़ देना है। आप रगड़ेंगे, देखेंगे जितने सारे डस्ट होंगे, कंघे की जो चिपचिपीपन होगी वो बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। इसे साफ करने के लिए आपको पानी भी बिल्कुल नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप इस तरीके से आसानी से इस कंघे को साफ कर सकते हैं, इसके सारे डस्ट आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कंघी हमारी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई, इसके सारे डस्ट निकल गए हैं। इस तरीके से आप कंघी को आसानी से कहीं पर भी इसे साफ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेवल में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इसे साफ कर सकते हैं, आपको पानी की एक बूंद भी नहीं लेनी है। आई होप कि आपको यह आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के स्क्रबर को लेकर के। दोस्तों इससे हम बर्तन धुलते हैं, लेकिन होता ये है कभी कभी ये हाथों में चुभ जाता है और जो कि बहुत ही दर्द करता है। तो इसे हम कैसे यूज करें कि ये हाथों में बिल्कुल ना चुभे और आसानी से बर्तन भी क्लीन हो जाए, इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आप बहुत ही आसानी से इसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा कोई भी एक पुराना मोजा। पुराना मोजा घर में पड़ा ही रहता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है इसकी जो रबड़ होती है वो ढीली हो जाती है, या फिर एक पैर का गुम हो जाता है, एक पैर का रहता है। तो इस तरीके के मोजे को लेकर के इसमें स्क्रबर को डाल देना है और डाल करके कुछ इस तरीके से इसमें सारे मोजे को इकट्ठा कर देना है। अब उसके बाद आप इससे बर्तन धुलेंगे, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं चुभेगा। ये आपका एक टूल बन करके रेडी हो गया। आप इस तरीके से बर्तन को धुलेंगे, आपके हाथों में बिल्कुल नहीं चुभेगा और आप स्क्रबर बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। आई होप कि आपको यह आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।